कुमाऊं की आर्थिक राजधानी के नाम से जाने जाने वाली सब्जी मंडी हल्द्वानी में आजकल सन्नाटा नजर आ रहा है। जहां किसी समय में सब्जी खरीदने के लिए पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, आज वहां सूना पड़ा हुआ है। दरअसल प्याज की कीमतों में उछाल के बाद मंडी सूनी हो गई है। लोग बताते हैं कि मंडी भाव ही इतना उछल गया है कि थोक में खरीदने की भी गुंजाइश नहीं बची है। प्याज थोक रेट में भी 40 से 47 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, लिहाजा दुकानदार भी करे तो क्या करें। हल्द्वानी मंडी सचिव के मुताबिक पिछले साल सितंबर में करीब 75 क्विंटल प्याज आया था। औसतन माने तो पिछले साल प्रतिदिन 250 क्विंटल प्याज हल्द्वानी पहुंचा, लेकिन इस साल यह गिरकर 70 से 80 क्विंटल पार्टी पर आ गया है। जो प्याज पिछले साल 1200 से 1600 प्रति क्विंटल था, वही इस साल इसके भाव आसमान छू रहे हैं। लिहाजा जब तक नई प्याज की फसल मंडी में नहीं आ जाती, तब तक प्याज यूं ही आम आदमी के आंसू निकालता रहेगा। मौजूदा स्थिति में प्याज की स्थिति आज की तारीख में 35 रुपए से लेके 46 रुपए तक हमने आज बेची है प्याज। और बीच में प्याज जो है एक आध हफ्ते पहले हम लोगों ने 55-56 रुपए तक बेच दी थी। थोड़ा सा जो इस टाइम ये जो मौजूदा स्थिति में ये गिराव दिखा, ये प्याज में कुछ तो शराधों की वजह से और ये कुछ जो नवरात्र लगने हैं उस वजह से। अब भविष्य में जिस हिसाब से संभावनाएं लग रही हैं, अभी नई प्याज कहीं से नहीं आनी है एक सवा महीने तक। इधर नवरात्र खत्म होने के तुरंत बाद फिर प्याज में एकदम उछाल आना है। हाँ, ये स्थिति इस हिसाब से बन सकती है कि सरकार बाहर से कहीं मुहैया कराए तो कहीं उसे स्थिति में काबू हो जाए, वरना इस हिसाब की संभावना अभी लग नहीं रही है। जो प्याज की फसल है बैक एंड में, वो बहुत ज़्यादा एक तो खराब हो गई है, कीड़ा लग गया उसमें, और जो हमारा नासिक और दिल्ली से प्याज आता था उसमें सप्लाई कम हो गई है, मेन कारण ये है। क्या मानते हैं अभी उछाल रहेगा तो फिर कैसे सर्वाइव होगा, क्या कंडीशन अभी आ रही है? देखिए, उछाल का डिमांड और सप्लाई का और पीछे का जो आपका ये जब तक स्टॉक बाहर नहीं आता है, जब तक ये कीड़े की प्रॉब्लम या जो खराब हुआ है ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होती है, उससे पहले डिमांड तो रहेगी लेकिन सप्लाई कम रहेगी। पिछले साल की अपेक्षा क्या रहा है? पिछले साल देखिए हमारा 2000 ये हमारा 7500 क्विंटल के लगभग प्याज आया था इस महीने में, और एवरेज रहा है वो लगभग आपका 250 से 200 क्विंटल पर डे का। इस बार का जो एवरेज आया है सितंबर माह का, वो 70 से 80 क्विंटल पर डे का आया। पिछले बार जो रेट्स रहे थे वो 1300, 1300, 1200, 1600 इस टाइप के रहते, इस बार हमारे 4500 इस टाइप के रेट्स आ रहे हैं।